मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को समाज के तमाम क्षेत्रों के लोग भारत बंद में शामिल होंगे। मगर यह भारत बंद क्या है और क्यों है? बंद का शुरुआती आह्वान 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, जिसमें देश भर के 500 किसान संगठन शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ही देश में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा, जिसके तहत 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कई हाईवे बंद किए गए हैं और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 27 नवंबर को जो हाईवे बंद किए गए, उससे पहले ही किसान जून के महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, जब मोदी सरकार पहली बार इन कानूनों को ऑर्डिनेंस के रूप में लेकर आई थी। सितंबर के महीने में सरकार ने इन कानूनों को संसद में करीब करीब जबरदस्ती पास करवा लिया, क्योंकि इसमें न कोई उचित चर्चा हुई और न ही वोटिंग हुई। इतने महीनों से किसान लगातार विरोध करते हुए यह कह रहे हैं कि उनसे सरकार ने कभी कोई चर्चा नहीं की और यह कानून मौजूदा खेती सिस्टम को, कृषि उत्पाद के व्यापार को और उत्पाद के स्टोरेज और कीमत को भी बर्बाद कर देंगे। इसके बावजूद मोदी सरकार ने प्रदर्शनों को नज़रअंदाज किया और कानून के साथ आगे बढ़ती गई। शायद उनका सोचना यह था कि देश में फैली महामारी की वजह से कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आएगा। मगर किसानों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने 26 से 27 नवंबर को दिल्ली तक मार्च करने का फैसला लिया। ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फायदेमंद है, पर कोई ऑर्डिनेंस साढ़े किसानों के किसी का फायदेमंद नहीं है। मोदी ने जो 3 ऑर्डिनेंस बगैर किसानों के पूछे और जबरदस्ती अपनी चुपकड़ में अंदर ही कोरोना की आड़ में जो हमारे ऊपर लाद दिए हैं, उनको हटाने के लिए, मतलब खत्म कराने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। मार्च कर रहे किसान, जो खास तौर पर पड़ोसी राज्यों से थे, उन पर हरियाणा में सड़क जाम करके आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से हमले किए, लेकिन किसान उस हमले का भी मुकाबला करने में कामयाब हुए और वह दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच गए। तब से किसान उन बॉर्डर पर जमा है और उनका निर्णय है कि वह तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। ये तीनों जो ऑर्डिनेंस लेके आई है, ये सरकार का अमेरिका में फॉरेन कंट्री में ये मॉडल फेल हो चुका है। अभी ये भारत के किसानों को, पंजाब के किसानों को खत्म करने के लिए तुले हैं, जब जो कि हम कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और इसका हम डट के विरोध करेंगे। ऐसे ही लगातार हम लोग 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं साथ में, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम इनका विरोध ऐसे ही करेंगे। असी आपदे हक लेके जावांगे। असी यही कहने मोदी साहब नू, जे उन्हें चंगा रहना है तो साडे हक सानू दे दे, आपदे काले कानून वापस ले। असी जी काले कानून वापस करा के हटाए। किसान आंदोलन से घबरा कर मोदी सरकार ने पहली बार किसानों को मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि 3 दौरे के बातचीत के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया ताकि वह सरकार को देशव्यापी समर्थन दिखा सके और उन्हें बता सके कि कानून वापस न लेना एक तरह से मूर्खता ही है। कल का बंद इसलिए कि हमारा पूरे भारत में सब इस गवर्नमेंट को, मोदी को पता चल जाए कि हाँ इन किसानों के पीछे पूरा हिंदुस्तान है। बसें भी बंद कराएंगे, हो जाएंगी कल को, ट्रक भी बंद हो जाएंगे, टैक्सियां भी बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा। जब तक हम जिंदा रहे तब तक इसका गला मरोड़ के रखेंगे बस। हाल के दिनों में प्रदर्शनों के दौरान हजारों जगहों पर प्रधानमंत्री और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के पुतले जलाए गए हैं और कई लोकल सड़कों पर चक्का जाम किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि किसानों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है और इस गुस्से को सिर्फ कुछ बातचीत का झांसा देकर खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार की कठोरता अब पूरा देश देख चुका है और किसान आंदोलन को बदनाम करने के उनके भद्दे तरीके भी सब देख रहे हैं। भारत बंद के समर्थन में 18 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और समाज के हर क्षेत्र के सैकड़ों संगठन शामिल हैं। इसमें बैंक और इंश्योरेंस क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, विश्वविद्यालय और स्कूल के शिक्षक, छात्र, युवा, महिलाएं, दलित और आदिवासी संगठन, सुरक्षा बलों के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कर्मचारी और अन्य लोग भी शामिल हैं। जिहड़ा कल नूं भारत बंद असीं कर रहे हैं किसानां लई, उहदे समर्थन च असीं इस समय दिल्ली बार्डर ते खड़े हैं।
मोदी नूं दसना चाहुंदे आ वी किसान नूं कमजोर ना समझे, किसानां दे नाल सारा पंजाब दा एक एक वर्ग किसानां दे नाल खड़ा है। ये तिन्ने कानून जिन्नी छेती वह वापस ले लैणा उहनूं चाहीदा, जिन्नी छेती हो सकदा वह वापस ले लवे। कल दा भारत बंद सिर्फ उहनूं ट्रेलर लई है, ये तो बाद उहनूं किसानां दी पावर दा पता चल जाणा है वी किसान दे नाल पूरा इंडिया किहड़े हिसाब नाल उहनां दी हमायत कर रहा है। ना कोई ट्रांसपोर्ट चलनी है, ना कोई दुकान खोलनी है, ना कोई विद्यक अदारा खोलना है, ना असी कोई होर प्राइवेट कोई अदारा खोलन देना है। सिर्फ ते सिर्फ किसानां दी गल होगी ते किसान मुद्दियां दी गल होगी।